जिस तरह हम लोग क्रिकेट को एक बड़ी चाव से खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट इसलिए बड़ी चाव से खेलते हैं क्योंकि हमारे आसपास क्रिकेट को बार बार प्रोत्साहन दिया जाता है, हाँ, ताकि उसे मनोरंजन बनाया जाए। अगर इसी तरह हम एजुकेशन को एक माहौल डेवलप करें, उसी तरह एजुकेशन को बार बार जगह अपने एरिया में छोटे स्तर पर जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, बार बार इवेंट ऑर्गेनाइज करें, बच्चा देख देख करके ही सीखता है, तो उसी तरह बच्चे में एक इंटरेस्ट जगेगा कि आपका जो भी आने वाला जनरेशन होगा वो भी कहेगा इस साल इस बच्चे को प्राइज मिला था, हम भी अगले साल ट्राई करेंगे तो हमको भी प्राइज मिलेगा, तो पूरी फोकस के साथ पढ़ेगा। इसीलिए हम लोग इसका कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में नहीं करा रहे, इसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न है, चार्ज इसलिए कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ आप फ्री में किसी को दीजिएगा तो उसका मोल नहीं करता है लोग, हाँ। इसीलिए हम लोग इसका मिनिमम फीस 100 रुपये रख दिए। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए, वो आप मेला में झूला झूले दो तो 100 रुपये दे देता है, वो भी वो होता है कि वहाँ झूला झूली या 100 रुपये दे दीजिए, या सुबह शाम का नाश्ता है आजकल बच्चों का तो वो वहाँ 100 रुपये चलाता है, लेकिन ये 100 रुपया एक कल्चर डेवलप करने में जाएगा, जो भी अपकमिंग जनरेशन होगा उसको एक अच्छा सा पोषित होगा। मैं ठाकुर जी आप देख रहे हैं बरवा न्यूज, अभी मैं +2 चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय सिंहबारा में आया हूँ, जहाँ एक कंपटीशन चलाया जा रहा है, जोकिंथ का जो एग्जाम होने वाला है वही बच्चे लोग आए के यहाँ पर कंपटीशन का एग्जाम देगा। ये लगभग 4-5 सालों से चलते आ रही है, किनके द्वारा करवाया जा रहा है, कौन कौन है हम, ये जो कंपटीशन करवाया जा रहा है ये किनके द्वारा करवाया जा रहा है और क्यों करवाया जा रहा है? इस कंपटीशन का शुरुआत हम ही ने सोचा था, और हम लोगों ने उसके बाद हमारे 2 co-founder इन लोगों ने ज्वाइन किया, एक और co-founder है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हाँ, हम मेरा नाम विकी राधे है, मेरा घर जहांगीरपुर पड़ता है, और मैं शुरू से एजुकेशन के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ, और मैं अभी दरभंगा में लाइब्रेरी भी चलाता हूँ, तो इससे जुड़े होने के कारण बच्चों में मैंने बचपन में देखा, जिसका co-coordinator हूँ, co-founder हूँ, मेरा नाम अमन है। इन संस्था में पहले स्टार्ट किए थे हमारे विकी राधे जी, इनको एक सहयोगी के रूप में मैं सपोर्ट करता हूँ। आपके साथ कितने लोग हैं टोटल? हमारे ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग यहाँ पे? अभी कितने लोग? अभी जितने भी एक्टिव हैं वो 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जी। तो ये जो अभी कंपटीशन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये सर कंपटीशन हम लोग लेवल लेते हैं क्लास 10th का, जो बच्चा अपेयरिंग होता है, जो इस बार एग्ज़ाम देता है उसको मैं लेता हूँ। इससे बच्चे में ये होता है डायरेक्ट जब वो बोर्ड में जाएगा तो वहाँ से जो एग्ज़ाम होगा और वहाँ यहाँ का जो एग्ज़ाम होगा दोनों अंतर होता है। हम लोग यहाँ पे उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे मेंटेन रह के रहना है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले उसको सिखाते हैं, फिर वहाँ पे वो बच्चा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में अपना बैठता है, तो डिसिप्लिन थोड़ा रहता है कि वहाँ वाले भैया ने जो युग 2 के जो भैया लोग थे कैसे हम लोग को सिखाए, वो सारा चीज़ हम लोग को पहले ही मालूम है, तो वहाँ पर उन लोग के लिए बेटर होता है। बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कुछ बच्चे प्राइज जीतते हैं, कुछ नहीं जीतते हैं। क्या होता है कि हम लोग झूला जाते हैं, झूला झूलते हैं, वहाँ पर 100 रुपये दे के क्या एक बेस्ट एक प्लेजर वाला एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, माइंड डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कोई जीतता है कोई हारता है। क्या होता है यहाँ से बच्चा जब हारता है बच्चे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, हम पे भी होते हैं, संस्था पे होते हैं, टीचर पे होते हैं, आप पेरेंट पे भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा के लिए ये होना चाहिए कि यहाँ जो गुस्सा है वो गुस्सा उनको किताब पर निकालनी चाहिए, ताकि उसका पूरा बेनिफिट बोर्ड एग्ज़ाम में उनको मिल सके, ताकि बेहतर से बेहतर होता है। होता है कई बार हम लोगों ने देखा है कि एक बार क्रिकेट खेलने पर फर्स्ट मैच में हार जाने के बाद दूसरा मैच में पूरा एनर्जी फोकस के साथ खेलते हैं, वही है कि इस बार में कोई बच्चा हारता है तो वो उनको बेनिफिट दिलाता है बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा। यहाँ पर सभी OMR सीट पैटर्न जितना भी है इस सब का अनुभव, बहुत सारे बच्चे अभी भी OMR सीट गलत भरे हैं मेरे सामने में, वो बच्चे वहाँ पर गलत नहीं करेंगे, डर पर बैठ गया उनके मन में, उन लोगों को हम दूसरा OMR सीट प्रदान कर दिए, ये डर अब वहाँ दूर हो जाएगा। आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मैं वरुण कुमार जी, इस युग 2 के co-founder हुए, मेरे भाई और दोस्त विकी राधे जी 2020 में इस संस्था को स्टार्ट किए थे, और इस संस्था का उद्देश्य एक ही है कि हमारे क्षेत्र में जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ के बच्चा आगे बढ़ सके, हमारे क्षेत्र से जितना बच्चा हो सके, क्योंकि जब अपने ऊपर अपबीती होती है ना तब समझ में आता, जब हम लोग 10th में थे ना तब इस तरह का कोई भी टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था, आगे भाग लेने का मौका नहीं मिलता रहा था, नहीं मंच मिल पाता था हम लोगों के लिए, नहीं मंच मिला नहीं भाग लेने का मौका मिला, तो हम लोगों को पता है कि क्या हम लोगों के ऊपर बीती है, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे से छोटे बड़े जो भी हो समाज में पिछड़े रहें। अब आज जो मेरे भाई है, छोटे छोटे बहन सब है, ये लोग अगर पढ़ के आगे जा रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी विश्व स्तरीय पर जा रहे हैं, तो हम लोग को गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारा समाज और हमारे क्षेत्र बहुत ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जो 10वां वाला बच्चा है वो 10वां वाला बच्चा आएंगे इसमें, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम फरवरी में है इन लोगों का, जो एग्ज़ाम देंगे उन लोगों का सिर्फ 10वां का सिलेबस से ही टेस्ट लिया जाएगा,
और जो बच्चे इसमें अव्वल आएंगे अव्वल नहीं, जो बच्चे जिस तरह के मार्क्स लाएंगे उस तरह उनको पुरस्कारित किया जाएगा और बच्चे को मनोबल को बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी क्षेत्र में इस तरह का कंपटीशन हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हमारे समाज का नाम रोशन कर सके।